हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एपी शुरू किया था और मैंने उसके कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे आप लोगों को, और आज भी बस थोड़ा सा पीछे का रिकैप दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बच्चों कि एपी के अंदर, हमने पढ़ा था कि एपी में जितनी भी टर्म्स होती हैं उन्हें फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 इस तरीके से डिनोट करते हैं। और जब इनको एक्सपेंड करते हैं तो A को A लिखते हैं, लेकिन सेकेंड टर्म को लिखते हैं A+D, थर्ड टर्म को लिखते हैं A+2D, फोर्थ को A+3D और फिफ्थ को A+4D। मतलब हमने क्या देखा बच्चों कि जितने नंबर का टर्म होगा उतना एक कम डी लेंगे, जितने नंबर का टर्म होगा उतना एक कम डी लेंगे। क्या यहां तक हम बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? लास्ट क्लास में। ठीक है, और फिर हमने एपी बनाने के बारे में बात की थी। अब जैसे मैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, मुझे ए 10 दिया है और डी भी 10 दिया है, और आपसे कहा गया है कि 4 टर्म तक एपी बनाओ। कितने टर्म तक एपी बनाओ? 4 टर्म तक एपी बनाओ। तो बच्चों एक बात बताओ, 4 टर्म तक एपी बनाने का मतलब क्या है? A1, A2, A3, A4। तो A1 का मतलब क्या हुआ? A2 का मतलब क्या हुआ? A+D। A3 का मतलब क्या हुआ? A+2D। A4 का मतलब क्या हुआ? A+3D। समझ रहे हो मेरी बात? कि मतलब जितने नंबर का टर्म होगा उससे एक कम क्या लेना है? D लेना है। तो A कितना है? 10। A 10। D भी कितना है? 10। A कितना है? 10। D कितना है? 10। A कितना है? 10। D कितना है? 10। तो ये कितना बना? 10, 10 और 10, 20। हाँ भाई, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। ऐड करके एपी बनाओ, 10 20 30 40। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आ गया एपी कैसे बनी? तो ये है हमारी एपी। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड छोड़ो, थर्ड देखो, थर्ड देखो। A=4 और D=-3, यही दिया हुआ है। चलिए, अब कह रहा है इसके भी 4 टर्म बनाओ एपी के, तो ठीक है जी, बना देंगे एपी के 4 टर्म, A1, A2, A3, A4। A1 का मतलब A2 का मतलब A+D, A3 का मतलब A+2D, A4 का मतलब A+3D। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करना है? हाँ जी, A कितना है? 4। ए कितना है? 4। लेकिन डी कितना है? -3। ए कितना है? 4। लेकिन डी कितना है? -3। ए कितना है? 4। लेकिन डी कितना है? -3। हाँ जी, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 3 9, 4। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2, 4 में से 9 गया -5। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? एपी। पल्ले पड़ा सभी के, नोट करो। नोट हो गया? जब नोट हो जाए बच्चों तो मुझे ये करके दिखाना, A=5 और D=-2। चलो ये करके दिखाओ मुझे, A=5 और D=-2, ये आप मुझे करके दिखाएंगे सभी बच्चे। हो गया होगा ये?
चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, तो कैसे किया होगा ये आपको पता ही है। ए की जगह पे 5, ए की जगह पे 5, डी की जगह पे -2, ए की जगह पे 5, डी की जगह पे -2, ए की जगह पे 5, डी की जगह पे -2, यही रखा होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। 5 5 प्लस माइनस -2, प्लस माइनस -2 टू जा 4, प्लस माइनस -3 टू जा 6, तो आंसर क्या होएगा? 5 3 1 माइनस का 1, यही आ रहा सभी बच्चों का आंसर। करो, नोट करो बच्चों। नोट करो, कर लिया होगा ये वाला भी नोट। ठीक है, यानी A5 और D-2 लिया था मैंने। ठीक है, हाँ जी, अब क्या ले रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूं आपको फोर्थ। कौन सा करवा रहा हूं? फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में A की वैल्यू दी है आपको -1 और D की वैल्यू दी है आपको 1/2। ठीक है, और कह रहा है भाई फोर टर्म तक AP निकालो। ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू कितनी दी है? 1/2, और कह रहा फोर टर्म तक एपी निकालो। फिर वही केस, A1, A2, A3, A4, इसको ऐसा एक्सपेंड कर देंगे। तो जल्दी बताओ, ए कितना है? -1। ए कितना है? -1। और डी कितना है? हाफ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ए कितना है? -1। और डी कितना है? 1/2। ए कितना है? -1। और डी कितना है? 1/2। तो भाई -1, इसको सॉल्व करेंगे इससे -2, इसको सॉल्व करेंगे इससे +1, अपॉन में नीचे को नीचे से 2, ये आएगा -1। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? +1। -1, 3 एकम 3/2, कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 2 में से 1 गया -1/2, 1 में से 1 गया 0। हाँ जी, -2 +3 2, तो क्या आया? -1, -1/2, 0, 3 में से 2 गया 1/2, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन वाली वैल्यू थी, वैसे सॉल्व करना था। अब मुझे इसके बाद आप लोग यहां पे करके दिखाएंगे, यहां पे करके दिखाएंगे। ए मान लो मैं ले लेता हूं कितना? 3/2, और डी ले लेता हूं मैं कितना? मान लो भाई -5/2। ठीक है, ये करके दिखाना। डी ए 3/2 और डी कितना है? 5/2। करके दिखाओ मुझे, ये नोट करो और फिर करके दिखाओ। हो गया, जल्दी करके दिखाओ बच्चों फटाफट। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो मैच करते हैं अब आंसर। ए कितना है? 3/2। ए कितना है? 3/2, लेकिन डी कितना है?
डी कितना है? माइनस का 5/2, ए कितना है? 3/2, डी कितना है? माइनस का 5/2, ए कितना है? 3/2 और डी कितना है? माइनस का 5/2। हाँ जी, 3/2, 3/2 प्लस माइनस माइनस 5/2, 3/2 भाई 2 से 2 कट गया लेकिन प्लस माइनस माइनस का 5 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक, ये काम करो, 2 से 2 मत काटो, 2 से 2 काटो मत, मल्टीप्लाई कर दो माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? 5 टू जा 10 अपॉन में 2। फिर सेम यहां पे भी ऐसे करो, 3/2 मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस, 5 थ्री जा 15 अपॉन में 2। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं काटा? क्योंकि नीचे एलसीएम क्या बन जाएगा? सेम, और जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम होता है। तो नीचे ये 2 तो 3 माइनस 5, नीचे 2 तो 3 माइनस 10, नीचे 2 तो 3 माइनस 15। सॉल्व कर दो, 3/2 माइनस का 2/2 माइनस का 7/2 माइनस का 12/2, सही बात है। अब इसको कैंसिल कर दो, जो कट रहे हैं 3/2 कट गया, माइनस का 1 ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 6, तो माइनस का 6 आंसर। कोई दिक्कत? करो, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करना है, जो नहीं आ रहे छोड़ दो। चलो नोट हो गया, ये आसान लग रहा होगा आप सभी को, क्लियर हो रहा होगा कि हाँ भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है? ठीक, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, इसी का मिसले, ये सॉरी 5.1 के सेकंड का आखिरी क्वेश्चन, ए बराबर दिया हुआ है आपको -1.25 और डी बराबर दिया हुआ है आपको -0.25, -0.25। तो इसको कैसे करें? देखो बच्चों, ये दिया हुआ है आपको और इसके बिना 4 टर्म तक एपी बनानी है, तो 4 टर्म तक एपी आपको पता ही है, A1, A2, A3, A4, और एक्सपेंड करेंगे A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अच्छा, अब जरा एक्सपेंड करने के बाद लिखिए, A कितना बच्चों? -1.25 कमा -1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? -0.25। ए की वैल्यू -1.75 सॉरी 25 और प्लस 2 इंटू में -0.25। उसके बाद ये ए कितना? -1.25 प्लस 3, डी की वैल्यू -0.25। ठीक है, तो ये रहा -1.25। अच्छा ये क्या बनेगा? -1.25 प्लस माइनस माइनस का 0.25, सही बात है। अच्छा कमा -1.25, बच्चों ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बच्चों ये है क्या? 25 है ना असल में तो, और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको पता है 25 2 जा कितना होता है? 50। तो बस यहां पे क्या लिख दो? 0.50, बात खत्म। इसी तरीके से बच्चों यहां देखो, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस, और 3 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 75। तो लिखोगे 0.75। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। अब हमने बेसिक कंटेंट सीखे हैं कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का। साइन किसका आता है? माइनस का। तो भाई 1.25 में 25 ऐड करोगे, 0.25, तो क्या आएगा? 550 और 1, ये 5 और ये 1, तो पता ही है कितना आ गया? माइनस का 1.50। अब माइनस 1.25 में माइनस 0.50 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 571, तो यानी कि माइनस का 1.75। अब माइनस के 1.25 में 0.75 ऐड करो तो 550 यानी कि 10, 0, 1, 7 और 2, 9 और 1, 10 का 0 और 1 और 1, 2, तो यानी कि कितना आ गया? माइनस का 2 आंसर आपके सामने। ठीक है, करो और फिर एक करके दिखाओ मुझे। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, ए देता हूँ मैं आपको 1. माइनस 1.75 और डी दे दिया आपको मैंने -1.50। चलो करके दिखाओ,
नोट करो और करके दिखाओ, फिर नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नए टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लो। जल्दी करके दिखाओ बच्चों। हो गया होगा बच्चों, हाँ जी। अब यहां देखते हैं कि आखिरकार क्या करना था इसमें हमें। ठीक है, तो ए कितना था? -1.75, -1.75, और डी कितना है? -0.50। ए 1.75 और डी है कितना? -0.50। ठीक है, और ये कितना? ए कितना? -1.75, और डी कितना? -0.50। ये ठीक है। अब -1.75 इसको सॉल्व करेंगे, -1.75 प्लस माइनस -0, फिर ये आएगा -1.75 प्लस माइनस माइनस। भाई 50 दूनी कितना होता है? 100, और 100 क्या होता है? 1। 100 क्या होता है? 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1। -1.75 भाई 50 तिया कितना होता है? 50 तिया होता है 1.5, मतलब 150, तो 1.5 हो जाएगा। तो यानी प्लस माइनस माइनस 1.50 क्या हो जाएगा? 1.50। ठीक है, चलिए अब ऐड कर दीजिए -1.75। हाँ भाई, 1.75 में 0.50 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -2.25। कितना आ जाएगा? -2.25। फिर इस तरह इसमें 1 ऐड करोगे तो -2.75। ठीक है, और इसमें 1.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? करके देख लो, करके देख लो। आपके तसल्ली कर देते हैं, 5, 7 और 5, 12, 1, 1 और 1, 2, 3, तो यानी -3.25, -3.25। तो ये आपकी एपी तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से करना होता है। नोट कर लो, नोट कर लो, फिर एक नई चीज बताता हूं। चलो, तो नोट कर लिया होगा सभी ने। अब देखो बच्चों, हमें ये पता चल गया ए कैसे निकालते हैं, हमें ये पता चल गया कि भाई टर्म्स कैसे निकालते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि भाई आखिरकार हम एपी को पहचान कैसे सकते हैं। हमने दो तीन बातें ये देख ली। अब हम ये पता करते हैं कि आखिरकार डी कैसे निकाले, यानी कि कॉमन डिफरेंस। मैं कैसे पता निकाल लगाऊं कि कॉमन डिफरेंस को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको एग्जाम्पल तो बच्चों दो 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 का दे दिया कि हाँ भाई 2, 4, 6, 8, तो इन सबके बीच में गैप कितने का है? 2, 2 का है। लेकिन क्या हर बार आपके क्वेश्चन में 2, 2 का ही गैप आएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है आपका एपी का क्या डिफरेंस। तो हमें एपी का डिफरेंस पता लगाना आना चाहिए कि आखिरकार एपी का डिफरेंस प्लस में चल रहा है,
माइनस में चल रहा है या प्लस वाले फ्रैक्शन में चल रहा है या माइनस वाले फ्रैक्शन में चल रहा है। तो ये सारी बातें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आखिरकार किसी एपी का डी कैसे निकालते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि कोई भी एपी कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, ऐसा ही देखा था ना आपने, कोई भी एपी कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है ना। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है, आपको ये चेंज दिखाई दे रहा होगा कि हम एक डी एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। दिख रहा है आपको, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम कितने डी एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, एक डी एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। बाकी ए तो अपनी जगह पे फिक्स है, बस इंक्रीज क्या कर रहे हैं, डी। और भाई डी का ही तो मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर पांच दोस्त हैं, अगर पांच दोस्त हैं अगर ये पांच दोस्त हैं, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए वाले, तो हमने क्या देखा, 2 रुपए एक्स्ट्रा हुए, फिर 2 रुपए एक्स्ट्रा हुए, फिर 2 रुपए एक्स्ट्रा हुए, फिर 2 रुपए एक्स्ट्रा हुए। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि लगातार दो दो रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो वो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे बच्चों, वो कौन है इनका, कॉमन डिफरेंस। वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो चलो यहां तो देख के पता चल रहा है कि दो दो का गैप है, लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप का लिख दूं भाई, 7/2, मैं मान लो ऐसे लिख दूं, 3/2, 5/2, 7/2, ठीक है, इस तरीके से लिख दूं, तो हमें क्या करेगा, थोड़ा सॉल्व करने की परेशानी आ सकती है। और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूं, 1 ऐसे लगा दूं, 1 राइट 3/2, ठीक है, 2 राइट 3/2, इस तरीके से कर दूं, और डिफरेंस के लिए दिक्कत हो सकती है। तो मतलब हमने क्या देखा कि बच्चों, अगर सिंपल है तब तो हम देख के पता कर सकते हैं कि डी है, क्या है। लेकिन अगर टिपिकल यानी कि काउंटिंग आ जाए यहां पर, वो जो यानी जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो टिपिकल टाइप के आ जाए, तब हम कैसे पता लगाएं कि आखिरकार कॉमन डिफरेंस क्या होगा, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो। तो इसका तरीका होता है बच्चों क्या, अब देखो, आपने अगर मैं कहूंगा कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप तुरंत क्या बोलोगे, दो। आप तुरंत क्या बोलोगे, दो। क्या सोच के दो बोला भाई आपने, इसके आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस कर दिया, तो आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, दो। अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, दो। क्या किया आपने, इस 6 में से ये 4 माइनस कर दिया। इन दो का पूछूं तब भी आप क्या करोगे, 8 में से 6। मतलब डी निकालने का क्या तरीका है, डी निकालने का तरीका है आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। और ये जरूरी नहीं है कि कहीं कि भाई किसी फिक्स को, किसी भी दो को माइनस करके आप आंसर निकाल दो, लेकिन वो दो कैसे होने चाहिए, तो लीजिए समझते हैं, ठीक है। देखो, पहली बात, डी निकालने का फॉर्मूला है an - an-1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, जिसमें एपी जो होती है आपकी, वो होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। ये 6 टर्म की एपी बना ली मैंने, मान लीजिए एपी बना ली मैंने 3, 7, 11 और क्या ले लूं, 15, फिर 19, फिर क्या होगा 23, इस तरीके से ये एपी आ गई। तो आपको चलो देख के तो पता चल रहा है कि गैप क्या है, लेकिन मैंने टिपिकल नंबर्स के लिए मैंने ये डी निकालने का तरीका बताया आपको कि भाई डी निकालने का तरीका क्या है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस। आप कहोगे सर आगे तो ये है, नहीं भाई, एपी में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, वो आगे होता है और ये पीछे। अब जैसे आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाओगे, तो आपका स्कूल आगे बढ़ता चला जाएगा और इस घर क्या होता चला जाएगा, पीछे। तो वही चीज होती है यहां पर कि एपी में जब जब आप आगे बढ़ोगे, तो यानी क्या होता है, एपी में आगे बढ़ते हैं ना कि पीछे। तो एपी में हमने क्या किया, आगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा, अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a2 - a1, क्या करूंगा मैं, a2 - a1, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस। और जरूरी नहीं है कि a2 - a1 करो, आप ये भी कर सकते हो, a5 - a4, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है a5 - a4। अगर मान लो इसके अंदर 50 टर्म है, अगर इसके अंदर ऐसे 50 टर्म है, तो आप ये समझ लो आप ऐसे भी निकाल सकते हो डी, a50 - a49। समझ में आ रही बात, मतलब डी निकालने का तरीका क्या है, डी निकालने का तरीका है कि आगे वाले टर्म में से जस्ट पीछे वाला टर्म माइनस करना। डी निकालने का तरीका, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना, पीछे वाला टर्म क्या कर देना, माइनस कर देना। लेकिन पीछे वाला कौन सा,
जस्ट पीछे वाला। अब आप कहीं बोलो, अगर आप ये बोलते हो कि हाँ भाई चल ऐसे निकाल दे A3 माइनस A2, तो ये सही है क्योंकि आपने जस्ट पीछे वाला माइनस किया, A3 में से जस्ट A2। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना कि A3 में से A1 माइनस कर दे, तो ये D निकालने का तरीका क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि A3 का जस्ट पीछे कौन है? A2, ना कि A1। अगर आप बोलोगे ना कि हाँ भाई D बराबर निकाल दे A5 माइनस A3, तो ये क्या है? गलत तरीका है। ठीक है, आप एक भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जस्ट पीछे वाला ही माइनस करना है, तभी आपका क्या निकलेगा? डी। तभी आपका क्या निकलेगा? डी। और वो भी किसमें निकलेगा? एपी में। किसमें निकलेगा? एपी में। सभी को डी निकालने का तरीका पता चल गया। नोट करो, फिर क्वेश्चन करवाते हैं। आएंगे नहीं, लेकिन रिकॉर्ड करूंगा। चलो अच्छा, नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सभी। थर्ड क्वेश्चन इसमें लिखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, आपको एपी दी गई है और उस एपी में से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, 3 1 माइनस 1 3, या आपको पहले से ही एपी दी हुई है। पहले से ही क्या दी हुई है? एपी। या आपको पहले से ही क्या दी हुई है बच्चों? एपी दी हुई है। कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। बच्चों फर्स्ट टर्म कौन होता है जल्दी बता दो। फर्स्ट टर्म कौन होता है? प्रथम पद कौन होता है जल्दी बताओ। तो प्रथम पद वो होता है जो सबसे आगे होता है। तो सबसे आगे कौन दिखाई दे रहा है? 3। तो यही आपका फर्स्ट टर्म। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अरे कॉमन डिफरेंस कौन क्या होता है? सार्वंतर हिंदी में। तो कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था ना, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस कर दो, यानी A2 माइनस A1। A2 की जगह पे कौन है? 1। A1 की जगह पे कौन है? 3। तो 1 में से 3 गया -2, D आ गया -2, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक और देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखो। AP दी हुई है आपको पहले से ही, -5 -1 3 7। ठीक है, तो फिर से वही फर्स्ट टर्म मतलब A। A कितना है? -5। क्या कुछ बताने की जरूरत थी इसमें? नहीं। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? -1। माइनस A1 कितना है? -5। माइनस माइनस प्लस का 5, आंसर आ गया 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कोई दिक्कत? इसी तरह एक और देखो, थर्ड। तीन चार क्वेश्चन अभी मेरे को कराने दो, उसके बाद तो आपके लिए है ही। एक AP दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हुआ जो सबसे आगे है? 1/3। और डी, डी कौन है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5/3,
ए वन कितना है, 1/3। तो आपको पता ही है जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो 4/3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, है ना, इजी। चलो एक और देखो, फोर्थ। हाँ जी, एक एपी दी हुई आपको, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट टर्म कौन है जो सबसे आगे है, 0.6। हाँ जी, डी, डी कौन होता है, A2 - A1, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस। तो बच्चों 1.7 में से 0.7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 में 6 गया 1 और 1 में 0 गया 1, तो यानी 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1, करो नोट। है ना आसान, बिल्कुल। फर्स्ट हम कैसे देखते हैं, जो सबसे आगे है, और डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला। नोट करो फिर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ शुरू करते हैं। नोट हो गया होगा बच्चों का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, ये मैं बता देता हूँ, फिर आज के लास्ट क्वेश्चन, फिर बाकी इसके क्वेश्चन जो भी आपसे नहीं होंगे वो नेक्स्ट क्लास में ट्राई कराए जाएंगे, ठीक है। अभी मैं 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तकरीबन ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, और कह रहा है कि पहले ये बताओ, ये चेक करके बताओ क्या ये एपी है, यानी पहले आपको ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि अगर एपी है तो इसके 3 और टर्म निकालो, अगर ये एपी है तो 3 और टर्म निकालो। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, ये देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16, ठीक है, 2, 4, 8, 16। अब ये मैंने इसके आगे देख रहे हो एपी नहीं लिखा मैंने इसके आगे, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि एपी है कि नहीं। उसने खुद बोला है क्वेश्चन ने कि पहले आप चेक करो कि एपी है कि नहीं, अगर एपी है तब तो आगे की टर्म निकालो, और अगर एपी नहीं है तो, अगर एपी नहीं है तो भाई छोड़ दो, ठीक है जी। पहले चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं। अब एपी चेक किससे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था भाई, एपी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस से चेक किया जाता है। एपी किससे चेक किया जाता है, कॉमन डिफरेंस से चेक किया जाता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही तो हमें बताता है कि एपी है कि नहीं है, क्योंकि अगर गैप सेम नहीं है तो एपी नहीं है, यही सीखा था हमने शुरू में, तो बस बात खत्म। तो पहले हम निकालेंगे D1, पहले हम क्या निकालेंगे, D1, और D1 क्या होता है, A2 - A1। तो A2 कितना है, 4, A1 कितना है, 2, तो ये आ गया 2। चलो जी, पहला कॉमन डिफरेंस क्या आया, 2। अब अगर दूसरा कॉमन डिफरेंस भी सेम आ जाता है तब तो AP है, और अगर दूसरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो इसका मतलब AP नहीं है, चेक करो। हाँ जी, D2, D2 क्या होगा, A3 - A2, ठीक है,
याद आया मैंने अभी क्या बताया था, एपी डी कैसे निकलता है, डी बराबर ए एन माइनस ए एन माइनस वन, यानी डी एन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी अगर ए टू निकालना है तो ए थ्री माइनस क्या होगा, अगर डी टू निकालना है तो ए थ्री माइनस ए टू। अच्छा ए थ्री कितना है, एट, ए टू कितना है, फोर, आठ में से चार गया चार। अब देखना बच्चों, पहला कॉमन डिफरेंस दो आया और दूसरा कॉमन डिफरेंस कितना आया, फोर, तो क्या डी वन बराबर डी टू हुआ, नहीं हुआ, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब कहेंगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, यानी ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है, क्योंकि शर्त क्या है कि जब दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, पता चल जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखो, जैसे इसका इसका सेकंड पार्ट देखो। अब आपको सेकंड पार्ट में दिया हुआ है टू थ्री बाय टू, फाइव बाय टू, थ्री सेवन बाय टू, ये दिया हुआ है। अब कह रहा चेक करो क्या ये एपी है, और अगर एपी है तो इसके तीन आगे के टर्म और निकालो, ठीक है जी। तो पहले डी वन निकालेंगे, और डी वन क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना बच्चों, पांच बटा दो, ए वन कितना है, टू, तो सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पांच, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चार, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दो, पांच में चार गया एक बटा दो, तो देखो भाई डी वन आ गया एक बटा दो। अब अगर डी टू भी एक बटा दो आ जाता है तो इसका मतलब ये एपी है, तो चेक करते हैं नाउ डी टू, और डी टू कैसे निकलता है, ए थ्री माइनस ए टू, यानी आगे वाले में से पीछे वाला, तो थ्री माइनस फाइव बाय टू, ठीक है जी। सॉल्व करो, इससे करोगे सिक्स, इसको इससे करोगे फाइव, नीचे को नीचे से करोगे टू, तो पांच में छह गया एक बटा दो, भाई ये तो आ गया वन बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वन जो है वो डी टू के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे दिस इज एन ए पी, ये कौन है भाई, एक एपी है। अब कह रहा कि अगर ये एपी है तो इसके आगे के तीन टर्म और निकालो, तो कितने टर्म है इसमें, एक दो तीन चार, यानी हमें ए फाइव निकालना है, ए सिक्स निकालना है और ए सेवन निकालना है, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है, नहीं। ए फाइव का मतलब क्या होता है, ए प्लस फोर डी, ए सिक्स का मतलब क्या होता है, ए प्लस फाइव डी, और ए सेवन का मतलब क्या होता है, ए प्लस सिक्स डी, पल्ले पड़ रही है बात। अब क्या करोगे, ए आपके पास है ही, ए कौन सा होता है, फर्स्ट टर्म, डी अभी आपने कितना निकाला, वन बाय टू, क्योंकि दोनों का डी सेम है, पुट करो और आंसर निकाल लो, क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, जो हो जाए ठीक, जो नहीं होंगे वो मैं करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, और आज की क्लास यहीं खत्म।